दोस्तों जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। यहाँ पे रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और यहाँ पे 80 से 90 साल वाले लोग भी हर दिन सुबह उठ के खुशी खुशी अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी कि सबसे अच्छी लंबी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि ये लोग एक फॉर्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं जिसका नाम है इकीगाई, जिसका मतलब होता है जीने की वजह। जापानीज लोग ये मानते हैं कि आप किसी ना किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आए हुए होते हो और वो मकसद ही आपका इकीगाई होता है। अगर आप अपने मकसद यानी कि इकीगाई के अलावा और कोई भी काम करते हो तो आपको वो काम करने में मजा नहीं आएगा और आपका दिमाग हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान इस जापानीज फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता है और अपने इकीगाई को फाइंड कर सकता है। दोस्तों जब आप अपनी कॉलेज कंप्लीट करके बाहर काम करने जाते हो तो आपको लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है कि अब आप बाहर जाकर क्या काम करोगे। और दोस्तों ये डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि आपके लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम आप अपने काम को ही देते हो। इसीलिए कोई आपसे ये कहेगा कि तुम्हें जो काम करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो बस वही काम करो, कोई कहेगा कि तुम जिस काम में सबसे अच्छे हो बस वही करो, कोई कहेगा कि सिर्फ वही काम करो जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिले, और कोई कहेगा कि ऐसा काम करो जिसकी दुनिया को जरूरत हो। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर कोई हमें इन चारों में से सिर्फ एक ही चीज चूज करने को बोलता है, जो कि एक गलत एडवाइस है। इकीगाई इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है, और अगर इन चारों चीजों में से कोई एक भी पार्ट छूट गया तो आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, चलिए वो देखते हैं। पहला सर्कल है व्हाट यू लव, यहाँ वो सारी चीजें आती हैं जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, यहाँ वो काम आते हैं जो आप अच्छी तरह कर सकते हो। थर्ड सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यहाँ वो काम आते हैं जिन काम के बदले आपको पैसे मिले। और आखिरी सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, यहाँ वो काम आते हैं जिनकी दुनिया को जरूरत हो। अब ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो चीजें करना आपको पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो तो उसके कॉम्बिनेशन से मिलेगा आपको आपका पैशन। जैसे कि नई चीजें सीख के कोडिंग करना आपको पसंद है और आप कोडिंग में अच्छे भी हो तो नई चीजें सीख के कोडिंग करना हुआ आपका पैशन। दूसरे और तीसरे सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको मिलेगा आपका प्रोफेशन, यानी कि आप उस काम में अच्छे भी हो और ये काम आपको पैसे भी देता है तो ये काम हुआ आपका प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नया सीख के एक ऐप बनाया और उस ऐप से आपको कुछ पैसे भी मिलने लग गए तो वो काम हो गया आपका प्रोफेशन। तीसरे और चौथे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि उससे आपको पैसे भी मिले और उस चीज की दुनिया को भी जरूरत हो तो वो हो गया आपका वोकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी बनाई हुई ऐप दुनिया को बहुत ज्यादा मदद कर रही है तो वो चीज हो गई आपकी वोकेशन। चौथे और पहले सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत हो और वो चीज आपको पसंद भी हो तो वो काम करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिस ऐप पे काम करना आपको पसंद था उसी ऐप की दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी तो दुनिया की जरूरत और आपकी पसंद बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको बोलते हैं कि सिर्फ अपना पैशन ढूंढो, बट सिर्फ पैशन फाइंड करना सब कुछ नहीं होता, वो इकीगाई का बस एक पार्ट है, बल्कि हमें एक ऐसा काम फाइंड करना चाहिए जो बाकी तीन कंपोनेंट को भी सेटिस्फाई करे। अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं तो जैसे कि आपको ब्लॉग लिखना बहुत ज्यादा पसंद है और आप ब्लॉग लिख के उसमें बहुत ज्यादा अच्छे बन गए हो और दुनिया को आपका ब्लॉग पढ़ना बहुत पसंद है और उस ब्लॉग से आपको अच्छे खासे रुपए भी मिल जाते हैं, यानी कि ब्लॉगिंग इस चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करती है और इसका मतलब ये है कि ब्लॉगिंग ही आपका इकीगाई है। आपका एम होना चाहिए कोई ऐसी चीज ढूंढना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों चीजों को सेटिस्फाई करे और इन चारों चीजों के बीच में ही आपको आपका इकीगाई मिलेगा, यानी कि आपको वो चीज पसंद हो, आप उस चीज में अच्छे भी हो, वो चीज आपको पैसे भी दे और उस चीज की दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत भी हो। और जब ये चारों चीजें सेटिस्फाई होगी तभी जाकर आप एक अच्छी लंबी और एक खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। अगर इसका छोटा सा एग्जांपल देखें तो विराट कोहली को क्रिकेट खेलना पसंद है और वो क्रिकेट खेलकर उसमें बहुत अच्छे बने, क्रिकेट खेलकर उनको पैसे भी मिलते हैं और लोगों को उनकी बैटिंग देखना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि दुनिया को उनकी जरूरत है। यानी कि क्रिकेट इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करता है और क्रिकेट ही विराट कोहली का इकीगाई है। आप जितने भी फेमस पर्सनालिटीज को जानते हो उन सब ने अपना इकीगाई फाइंड कर लिया होता है
और इसी की वजह से वो लोग इतना आगे होते हैं। इकिगाई फाइंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप अपने काम में फ्लो स्टेट अचीव कर पाते हो। फ्लो स्टेट मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि और कोई चीज मैटर ही ना करे। अपने इकिगाई को ढूंढ के उनपे काम करने के वजह से ही स्टीव जॉब्स को जापान के आर्टिस्ट्स और इंजीनियर्स बहुत ज्यादा पसंद थे। जब स्टीव जॉब्स ने 1980s में जापान में सोनी फैक्ट्री को विजिट किया तो उन्होंने वहां से बहुत सारी नई चीजें सीखी और उनको अपनी कंपनी में भी इम्प्लीमेंट की। इवन स्टीव जॉब्स को डेली यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया भी वहीं से मिला था। जापान के फेमस गिबली एनिमेशन स्टूडियो के मालिक और एक एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो संडेज और पब्लिक हॉलिडे के दिन भी स्टूडियो में ही काम कर रहे होते हैं। और अभी भी 79 इयर्स की एज हो जाने के बावजूद भी वो कभी थकते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया है और वो उसी पे ही काम करते हैं। जीरो ओनो आज 94 इयर्स की एज हो जाने के बावजूद भी वो वर्ल्ड की बेस्ट सुशी डिश बनाते हैं, क्योंकि सुशी बनाना उनका इकिगाई है। अपने इकिगाई को ढूंढ के उस पे काम करने से आप ऐसे लेवल अचीव कर सकते हो कि कोई टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। और उसके एक बेस्ट एग्जांपल हैं मार्क कोट, जो रोल्स रॉयस कार्स के एक इकलौते कोच लाइन पेंटर हैं, जो वर्ल्ड की एक्सपेंसिव कार्स में से एक रोल्स रॉयस पे अपने हाथों से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है और इनको आज तक कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया, मशीन्स भी नहीं। आपको अचानक से अपना इकिगाई नहीं मिलेगा, आपको आपका इंट्यूशन यानी कि आपके अंदर की आवाज और आपकी क्यूरियोसिटी ही आपको आपका इकिगाई फाइंड करने में मदद करेगी। इसके लिए आपको नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस पूछ के खुद को जानना पड़ेगा। और जब आपको आपका इकिगाई मिलेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ, इसी चीज की मुझे तलाश थी। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।